अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये तीन सूट हैं। तीनों सूटों में जो मैंने डिजाइनिंग की है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने किस तरह की डिजाइनिंग की है। अब ये देखें, ये गला बनाया हुआ है इसका। इसका गला ये अलग से दिया हुआ था, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग दी। यहाँ से जो है ना, ऑर्गेंजा के नीचे से हमने कपड़ा निकलवा दिया, ये एप्लिक करवाया, ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है, ठीक है। और ये इसी तरह से इसका जो है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी गोल गले में। और यहाँ पे हमने इसकी लेस लगा दी स्लिट में। बाकी ये सेंटर पैनल है इसका। सेंटर पैनल के बाद इसका जो है ना, एक पट्टी दी हुई है, बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, कली की जैसा। उसके दोनों साइड पर हमने फिलिंग लेस लगा दी। बैक, इसकी बैक में भी इसी तरह से जो है ना, और इसके बाद जो है ना, एक साइड पैनल दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में हमने फिलिंग लेस लगाई हुई है। इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह फिलिंग लेस लगी हुई है। और ये इसका फ्रंट का दामन है, जिसका ये जो है ना बॉर्डर दिया हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर की साइड पे हमने इसकी एप्लीक करवा दी। नीचे इसके ऑर्गेंजा रख के यहाँ पे भी इसकी एप्लीक करवा दी, ठीक है। और ये बॉर्डर अलग से सेट करके ऊपर की साइड पे एप्लीक करवा के नीचे कटवर्क करवा दी हमने इसका, ठीक है। और चाकू में जो है ना, इसकी लेस लगा दी हमने फेसिंग के साथ। और ये इसकी बैक है। इसकी बैक में भी देखें, इसी तरह से कलियां दी हुई है, ठीक है। ये बॉर्डर दिया है, इसकी दोनों साइड पे फिलिंग लेस लगी हुई है। और इसके सेंटर पैनल के बीच में भी हमने बॉर्डर लगा दिया, बंच लगा दिया ये पूरा इतना लंबा, ठीक है। और नीचे जाने इसका बॉर्डर लगा दिया, जिसके नीचे हमने कपड़ा रखे, नीचे की साइड पे कटवर्क करवा दिया और ऊपर की साइड पे इसके सिलाई से लगा दिया। और ये इसकी स्लीव्स है। इसकी स्लीव ऊपर सादी थी, ठीक है। इसमें हमने पेंटेक्स से सिलाई लगा दी इस तरीके से, ठीक है। और ये इसके लिए एक बॉर्डर दिया हुआ था, ऊपर की साइड पे इसकी अप्लाई करवा दी। नीचे से हमने इसका कपड़ा कटिंग करवा दिया और आगे की साइड पे इसका बॉर्डर लगा दिया। नीचे हमने इसकी फेसिंग कर दी। और ये इसका सिंपल ट्राउजर है, ये इसका दुपट्टा है। इसके दुपट्टे की चारों साइड पे हमने लेस लगा दी फेसिंग के साथ। अब ये इसका चाइनीज गला बनाया हुआ है, ठीक है। ट्राउजर के कपड़े पे इसकी पेंटस की सिलाई लगा दी हमने पट्टी पे। और यहाँ पे इसकी फिलिंग लेस लगा दी, आगे की साइड पे इसकी बढ़ती हुई लेस लगा दी हमने। और ये इसका दामन है, इसके दामन में ये इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इसकी बैक भी इसी तरह से सेम। और इस चाकू में इसकी लेस लगा दी फेसिंग के साथ। और ये इसकी स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स भी सेम इसकी दामन की तरह है, सारा काम हुआ हुआ था इस तरह से। और ये इसका सिंपल ट्राउजर है, जिसके नीचे पांचों बना हुआ है इसी तरह से। और ये इसका दुपट्टा है। इसके दुपट्टे की चारों साइड पे हमने लेस लगा दी फेसिंग के साथ। अब ये देखिए, स्लिट में इसकी जो है ना पाइपिंग लगा दी हमने। तीन कलर की इसकी चटापट्टी तैयार की, पूरे सूट में लगाई है इसकी, ठीक है। और ऊपर जो है ना, इसका गोल गला बना दिया, जिसमें हमने इसकी लेस लगा दी, यहाँ कट खोल दिया हमने। और ये इसका दामन है, ये देखें, ये जो है ना इसके पैनल दिए हुए, पैनल दिए हुए नहीं थे, इसके जो है ना हमने कटिंग करके खुद इसमें फिलिंग लेस लगाई है, ठीक है। दोनों साइड पे इसकी फिलिंग लेस लगा दी। और ये इसका दामन है, ये बॉर्डर दिया हुआ था इसका, ठीक है। ऊपर की साइड पे इसकी बूट पाइपिंग शो कर दी, चटापट्टी की जो है ना, जो हमने कपड़ा तैयार किया था उसी की। और नीचे जो है ना, इसकी 2 इंच की पट्टी तैयार कर दी और ऊपर इसकी लेस लगा दी। नीचे की साइड पे इसकी पाइपिंग लगा दी और ये इसमें फेसिंग कर दी हमने। इसकी बैक भी सेम इसी तरीके से तैयार हुई हुई है। और इसके चाकों में हमने इसकी बूट पाइपिंग शो कर दी। और ये इसकी स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स भी सेम इसकी दामन की तरह तैयार हुई हुई है। ये इसका सिंपल ट्राउजर है और ये इसका दुपट्टा है।
दुपट्टे की लंबी साइड पर कटवर्क इसी तरीके से हुआ हुआ था, ठीक है। पल्लू में हमने इसकी लेस लगा दी फेसिंग के साथ,